भाजपा की सरकार की एक हकीकत जिले के अंतिम छोर में बसे घुनघुटा कोटा गांव आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी विकास की धारा से अछूता है। यहाँ के लोग बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से आज भी वंचित हैं। बिजली के अभाव में ग्रामीण लालटेन युग में जी रहे हैं और आज के इस दौर में जहाँ हमारा देश डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर है, यदि बात ग्राम पंचायत घुनघटा का कोटा की गांव की जाए तो इन गांवों की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। जनपद पंचायत भुरार अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटा अंतर्गत इमली टोला केशव डोल और कन्नोजा डोल कोटी डुनगुल डोल और सोन बसरा टोला साथ में महुआ टोला सागरा टोल चिराई पानी कुकुरी डोल और घुनघुटा पंचायत अंतर्गत अतरोड़ी कछार एवं नवा टोला में लोग आज भी बिजली सड़क जैसी सुविधा को तरस रहे हैं। बिजली की समस्या को लेकर गत दिवस कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने प्रशासन से बिजली लगाने की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीणों की समस्या का हल होता नहीं दिख रहा है। वहीं बिजली की मांग को लेकर जयपुर विधायक मनीषा सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि चुनाव जीतते ही गांव में बिजली करंट दौड़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में विधायक के प्रति ग्रामीणों का गुस्सा इतनी बातों में साफ नजर आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आधुनिकता के इस युग में जहां लोग चांद पर पहुंच चुके हैं, वहां कुछ ऐसे गांव हैं जो कि विकास से कोसों दूर हैं, बिजली जैसी सुविधा को तरस रहे हैं। ऐसे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का सपना कैसे साकार होगा? किस गांव से हो आप? ये कोटी से। आपके गांव में क्या क्या समस्या है? यहाँ तो बहुत समस्या है, न रोड है न बिजली है, जिससे बच्चों को भी पढ़ाई के नुकसान है। यदि कोई आदमी बीमार हो जाता है उसको आने जाने में तकलीफ भी होता है। इस प्रकार से सब प्रकार की तकलीफ है। कब से रोड और लाइट नहीं है यहाँ पे? अब आज से आज तक नहीं है। आज तक भी 70-80 साल हो गए होंगे। हाँ, इसकी मांग आपने कहीं की? कहीं आपने कई बार की, सबसे कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। नेता लोग आते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं, बस बताते हैं कि हम उसको लेके आते हैं, इसको लेके आते हैं, और फिर यहाँ समय निकलने पर कोई नहीं आता। तो नेता लोग सिर्फ वोट मांगने आते हैं? हाँ, बस 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 वही काम तो करते हैं। बिजली की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या है इनकी मांग है और अभी तक इनसे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सतीश राजी जतपुर चौकी से आए हैं, जीक बुचरी और दो तीन गांव हैं अथरोटी कछार, वहाँ विद्युत की समस्या है, मतलब विद्युत वहाँ पर नहीं पहुँची है। तो जैसा कि आपको विदित है कि शासन के द्वारा सौभाग्य योजना के तहत जो है ऐसे ग्राम जहाँ पर विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है उसको प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। और आप ये भी अच्छी तरह समझते हो कि अगर किसी भी काम को लिया जाना तो उसके पूरे एस्टिमेट बना के ऊपर भेजना, फिर उसके बाद वहाँ सेंक्शन होना। हमारी DMPB से बात हो गई है और उनके द्वारा उन्हें मुझे लिखित में भी सूचित किया गया है, पहले भी आए थे तो तत्संबंध में मैंने उनको इसके लिए बारे में बताया था। कलेक्टर साहब ने बुला के उनसे समीक्षा की थी तो उन्होंने बताया सर उसका प्रस्ताव मैंने शासन को भेज दिया है, जैसे स्वीकृति आएगी इनके गाँव को सब स्वीकृति के लिए कई गाँव भेजे हैं, लेकिन जैसे आएगी सबसे पहले इन्हीं के गाँव को लेकर काम के क्रॉय कर, तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास जारी है। मैंने इनको समझाने का भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन स्वाभाविक है कि इनके यहाँ बिजली नहीं है तो थोड़ा सा परेशान होंगे ही लोग, हमारे यहाँ नहीं हम भी परेशान रहेंगे। हम लोग इनके साथ हैं, हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, इससे थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो हमारा प्रयास साथ रहेगा। कलेक्टर साहब को मैंने अवगत करा दिया है और वो भी जब आएंगे तो विद्युत विभाग को बुला करके इस वीडियो का कराएंगे या शासन से बात करें, जैसे भी स्थिति अपना प्रयास कर रहा है। अपना नाम और पद दिलीप कुमार पांडे हूँ, मैं यहाँ ज्वाइंट कलेक्टर के पद पर। KRN न्यूज के लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।